क्या देख रहे हैं बताओ? ये बिके हुए जंगल है, अरे ज्यादा दिख रहे हैं, ये बिके हुए जंगल है, दलाल है, तो ये दलाल है, ये सरकार का दलाल है, दलाल है सरकार के, ये जो बता रहे हैं ये दलाल है सरकार के। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लापरवाही नहीं, आज तक पकाऊंगा, आज तक हो गए, पंजाब वाले खालिस्तानी हो गए। ये देखिए, ये पढ़िए, ये इंसान, अरे ये चैनल वाले खुद जिहादी है। किसान पिछले कुछ दिनों से सरकार द्वारा लाए अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की उम्मीद ये थी कि देश का मीडिया उनकी आवाज बनेगा, पर मीडिया ने पिछले कुछ समय से सरकार के खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया है और इसके अलावा कुछ मीडिया ने तो किसानों के इस प्रदर्शन को खालिस्तान का एंगल देना भी शुरू कर दिया। आज की सबसे बड़ी खबर है किसानों का आंदोलन और हजारों किसान इस समय देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनाना चाहते हैं और ये बयान बहुत खतरनाक भी है और गंभीर भी है, इसलिए आप इसे गंभीरता से लीजिएगा कि इस और उससे ये लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं और उनका एजेंडा किसानों से अलग है, जिसके बाद से किसानों में एक गुस्सा देखने को मिला। जब आज तक के पत्रकार किसानों के पास उनकी मांग सुनने या उनसे बात करने पहुंचे तो उन्हें किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक। किसान तो कुछ पत्रकारों को अपने आप दूर तक छोड़कर भी आए और बायकॉट गोदी मीडिया के नारे लगाते भी दिखे। आज तक के शो में ही जब पत्रकार किसानों से बात करने पहुंचे उस पत्रकार के सामने ही लोगों ने नारे लगाकर और बात करने से मना कर दिया। आप देखिए, कोई लापरवाही नहीं आ रही, यहाँ पर जो है पूरा से टट के मुकाबला करे, कोई लापरवाही नहीं है, टट के मुकाबला करे, लापरवाही नहीं, आज तक पकाऊंगा, आज तक पकाऊंगा, ऐसा ही और गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ भी देखने को मिला। जब वे सवाल कर रहे थे तो लोग बायकॉट गोदी मीडिया के नारे लगा रहे थे। हमारे बीच में अगर कोई मुस्लिम भाई आ गया जो किसान है, क्या वो जिहादी है? मुस्लिम भाई जिहादी नहीं है। आप देखिए अपने खालिस्तान कौन है? ये लाइव है, ये बिके हुए जंगल है, क्या देख रहे बताओ? ये बिके हुए जंगल है, अरे ज्यादा दिख रहे हैं, ये बिके हुए जंगल है, दलाल है, तो ये दलाल है, ये सरकार का दलाल है, दलाल है सरकार के, ये जो बता रहे हैं ये दलाल है सरकार के, ये सरकार की दलाली करते हैं चैनल। कहाँ से आए?
हम हिंदुस्तान से ये यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं जो यूपी से ये यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं कहाँ से हो देखो इतनी बेशरम ये देखो इतना बेशरम है यहाँ भी डिवाइड कर रही है कहाँ से यूपी वाले जिहादी हो गए यूपी वाले जिहादी हो गए पंजाब वाले खालिस्तानी हो गए ये देखिए ये पढ़िए ये अरे ये चैनल वाले खुद जिहादी हैं ये चैनल वाले जिहादी हैं इतने बेशरम है भी नहीं मान रहे इतना बेशरम है ये बेशरम हो रहा है बहन जी अच्छा होगा कि आप चले जाओ यहाँ फिर चलो जाओ हाथ जोड़ रहे हैं वाले चले जाओ यहाँ चले जाओ आज तक न्यूज़ अरे चले जाओ यहाँ से क्यों नहीं डाली नहीं है तुम चले जाओ बताओ यहाँ किसान की समस्या क्या है नारे से क्या है नारे से नारे तुम बैठा ले रहे हो सरकार से ये सुनो सरकार सुनो ये जो लोग आए हैं ना जिसे आप बिहारी बता रहे हैं आतंकवादी बता रहे हैं ये भाजपा सरकार के आईटी सेल के कार्यकर्ता है भाजपा सरकार की सोची धमनी साजिश है जब आप छापने से पहले प्रूफ नहीं मांगते हम क्या पैसे पुलिस जब तक हमारा गोदी मीडिया सरकार के साथ खड़ा रहेगा उनके आलोचना की बजाय सरकार की गलत नीतियों पर पर्दा करता रहेगा तब तक लोग इस तरह से ही बायकॉट करते रहेंगे ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे टीवी इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन